सो हेलो गाइस, दिस इज योर आरजे निशा विद यू। एंड यूजुअली लोग इन्हें ना इनके सरनेम से ज्यादा जानते हैं और कहते हैं कि जो करने वाले हैं स्टेज पर बहुत ज्यादा, यू नो, चक्कर, लेट्स हैव आकृति कक्कड़। फिर वी हैव पीपल हु से हर कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, एंड वी गॉट आकृति कक्कड़ विद अस। बट आई वुड लाइक टू एक्चुअली गिव इट अ स्लाइट चेंज इन सेइंग कि जिनकी आवाज में बढ़ा रखी है दुनिया में उन्हीं के नाम की ख्याति, वही है आज हमारे साथ, जिनका नाम है आकृति। सो Oh my God! Hello, Akriti. How are you doing? And how is this beautiful season and the new year being with you? Oh well, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया for giving me a slightly different sounding introduction because I feel like मैं जितनी बार भी stage पे गई हूँ मुझे हर बार इनकी आवाज में है शक्कर, ये आप इनको सुनते ही आपको आ जाएंगे चक्कर, इन्हें कोई नहीं दे सकता है टक्कर। इस तरह के बहुत सारे इंट्रोज मिलते हैं वर्ल्ड ओवर, बट आज आपने जो ख्याति और आकृति को मिलाया, ओह हो, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, रियली हैप्पी। एंड एज फार एज योर क्वेश्चन गोज, माय न्यू ईयर हैज बीन extremely kind. Even the previous year was with the God's will, very very kind. Of course, नए साल के पहले ही दिन मैंने बहुत बड़ा public concert किया, जिसके लिए मैं क्या हर artist बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे थे, हजारों लोगों की वो जो एक भीड़ है, जो तादाद में हजारों की तादाद में लोग देखे ही नहीं हमने दो साल से एज आर्टिस्ट एज परफॉर्मर्स, तो वो देख के बहुत एक्साइटमेंट, खुशी और बहुत ही ग्रैटिट्यूड आया। एंड फिर उसके कुछ दिन में आई थिंक 5 तारीख को मैंने एक शूट किया और फिर मुझे कोविड हो गया और फिर मैं हफ्ता 10 दिन घर पे थी, रिकूपरेट कर रही थी। एंड नाउ आई एम मच बेटर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ किक एस ईयर। Let's start up with the question answer series with you. Like as you all know that this is hashtag the blue music, and इसमें हम लोग आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं। And as we know this कि आपने बहुत ही छोटी उम्र से गाना गाना शुरू कर दिया था, thanks to the transistor in your house कि आप गानों को सुनती रहती थी। And as a very good kid, you know, आपने टेलीविजन के बहुत सारे जो म्यूजिक थे उन्हें भी गुनगुनाना शुरू कर दिया था ना। आई वाज जस्ट रीडिंग समवेयर कि जब आप 4 साल की थी शायद आपने एक इतना अच्छा गाना गुनगुनाया था कि सब लोग ऐसे स्तंभ रह गए थे, दे वर इन शॉक। ओह माय गॉड, ये किस्सा मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ज्यादा कैंडिड हो गई थी मैं किसी एक इंटरव्यू में और वो जो छपा है ना वो सब लोग उस चीज को छोड़ते नहीं है। Anyway, हाँ, वो किस्सा ऐसा है दैट अब देखो, हम जब छोटे बच्चे होते हैं अवेयरनेस बहुत कम होती है, हमें पता नहीं होता, और हम जो सुनते हैं हम वो ग्रैस्प कर लेते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मेरे पापा के बॉसेस आए थे घर पे डिनर के लिए और जैसे हर माँ बाप बोलते हैं, बेटा गाना सुनाओ, पता है हमारी बेटी गाना गाती है, अभी हम उसको सिखाना शुरू करेंगे, देखो बेटा आ जाओ ना, 3 ईयर्स ओल्ड और समथिंग। एंड मेरी तुतला तुतला के मैंने बात करना शुरू किया था। एंड मुझे कहा गया कुछ सुनाओ, तो मैंने क्या सुनाया, मैंने सुनाया जरा सी सावधानी जिंदगी भर आसानी। ये थी एक गर्भ निरोधक मेडिसिन की एडवर्टिजमेंट जो मैंने गा दी थी उनके सामने। एंड देन नोबडी इन दैट रूम न्यू वेयर टू लुक, क्या करें, ये किसको, ये तुम एंड द गेस्ट आर लुकिंग एट माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स आर लुकिंग एट मी एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, सो आई सैंग एंड आई लेफ्ट द रूम। बट ये जो किस्सा है दैट डिडंट लीव दैट रूम, इट्स स्टिल फॉलोइंग मी इतने साल बाद तक। It's still following you in every room, perhaps wherever you have a conversation. But that's oh my god, a moment of your life, I suppose, that you can actually sing that to your kids afterwards also. कि बेटा ये नहीं गाना है, ये नहीं गाना है। So stage से मुझे याद आया, there was this moment when Kalyan ji, Anand ji के साथ जब आप tour पे जा रहे थे, you suddenly increased and you shooted up with your height, and he had to come and specifically ask you कि आकृति थोड़ा सा दूर रहोगे please stage से, because I am not visible with you. Yeah, everybody was very like short in that entire group, so it was quite funny. I think my Punjabi kudi jeans just shot up when I was like 11 years, 12 years old, when I was apparently the tallest in the group. So not so little, but little wonder I was. Yeah. मतलब हमने स्मॉल वंडर्स देखा था, फिर आपको हमने लिटिल वंडर्स भी देखा है ऐसे, क्योंकि शी इज लिटिल वंडर।
But I'm sure that must have been a very beautiful time. But you know, when you talk about our times, that was a time where we used to hear Tanha Dil. I was also from that time when we used to sing, you know, Euphoria was coming up. Humne bahut sare gaane pari hoon main, khidki pe aao na and all that. These songs came up, you know. Yeah. And now when you have a chance to collaborate back again with Shaan and sing up the beautiful song, how does that make you feel? कि जो जिन्हें हमने सुना था, जिनको देख के सपने बुने थे कि अपनी एल्बम आने वाली है, आज उनके साथ हम गाना गा रहे हैं. You know, I mean, I have to say this is, it's very, very unreal an experience because even earlier, इससे भी पहले जब मैं बिल्कुल ही छोटी थी तो मैं सारेगामा का हिस्सा बनी थी और उस शो को जब मैं जीती वो चिल्ड्रन स्पेशल था 97-98 की बात है ये और 10-11 साल की बच्ची थी मैं और मैं उस चिल्ड्रन स्पेशल को जब जीती थी तो मेरे जजेस थे शंकर महादेवन लुई बैंक्स एंड शिवा मनी सर उनके ग्रुप का नाम है सिल्क एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड यू नो इतने बड़े बड़े लोग सुनने वाले हैं तो मतलब फुल कांप कांप के परफॉर्मेंस हुई थी. I still remember how Shankar Bhai had even said at that time, you know, you were both great. There were two singers. You were both great. But why don't we call Akriti Kakkar today? Wo line mere zehen se gayi nahi hai the way he had said it. And then, you know, life coming to a point where I was randomly, coincidentally opening a show for Shankar Bhai. And then I get to be the female singer in his band a few years after that. And then getting to sing with them in the studio. And then abhi aapne jab Shaan ki baat करी अभी उनके साथ में थोम किया जो हुआ है उसके पहले एक मैं टीवी शो कर रही थी जिसमें हम को कैप्टन्स थे एक टीम के. मतलब आई रियली हैव टू सिट माय सेल्फ डाउन एंड पिंच माय सेल्फ एंड टेल माय सेल्फ दैट बाप रे ये जो जिंदगी है ना ये मैजिकल है. माय लाइफ इज ट्रूली बीन अ सीरीज ऑफ मिरेकल्स एंड आई डोंट नो हाउ इट्स हैपेंड. या तो ये जो परिवार के बड़े हैं उनकी दुआएं हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं or maybe it's just God has been unbelievably kind on me and placed me among some, you know, his favorite people who are so, so blessed. So yeah, bade pinch me kism ke moments hote hain, but I don't take it for granted. I am beyond thankful and grateful and I feel like gaadi mein petrol dalta hai, meri life ki gaadi mein gratitude. क्या बात है और गाड़ी चलती चली जाती है क्यों ना जरा से आप उसे गुनगुना भी दे आई नो कि खांसी है बट थोड़ी सी खांसी आज रिलैक्स कर लेगी. हर फन मौला पिया दिल की नगरिया में आ हर बाबा घर से निकल बीच बजरिया में आ हर हुक्म तेरा यारा सर आंखों पे रखूंगी मैं तो कसम से वादा किया बस आस पास तेरे आबाद मैं करूंगी खुद को कसम से वादा किया तुमरा देखो गो आशिया तुमरा देखो गो आशिया कोमलाय ने तो करे थम किया तुमरा देखो गो आशिया कमलाय नृत्य करे थमकिया थमकिया एगो कमलाय नृत्य करे थमकिया थमकिया एगो कमलाय नृत्य करे थमकिया थमकिया रे कमलाय नृत्य करे थमकिया थमकिया तुमरा देखो गो आशिया कमलाय नृत्य करे थमकिया थमकिया. वाओ दैट्स अमेजिंग. और आपके यहाँ पर आपकी म्यूजिक को लेकर हमेशा से आपकी पूरी फैमिली बड़ी पैशनेट रहती है तो कोई खास मैसेज आप अपने फैमिली मेंबर्स को देना चाहेंगे यू नो फॉर ऑल दीस इयर्स यू जस्ट बीन लविंग एंड केयरिंग आकृति अरे इतनी सोनी बच्ची है हमारी तो यू नो माय फादर इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड. हालांकि अब तो मेरी शादी हो चुकी है बट इवन व्हेन आई स्टार्टेड टू डेट माय नाउ हस्बैंड देन बॉयफ्रेंड चिराग तो नया नया नाम सुनने को सबसे पहले पापा को ही मिला था सो ही इज दैट लेवल ऑफ अ बेस्ट फ्रेंड विद मी. बट मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक उन्होंने एक्चुअली पापा होने का और बेस्ट फ्रेंड होने का फर्ज बहुत ही खूबसूरती से निभाया है क्योंकि बिना कहे क्योंकि यू नो ये इंडस्ट्री ऐसी है मैं तो नहीं जानती थी यहाँ पे किसी को यू नो बिना सोचे बिना कुछ प्लान करे बस जाना है मुंबई जाना है और वहां पे देखना है कि किसको समझ आता है कि मैं या हमें तो नहीं लगता सिर्फ कि मैं गाना गा सकती हूँ. सो
लोगों से मिलना जब शुरू किया था तो पापा ने अपना पूरा बिजनेस सैक्रिफाइस करके बंद करके इतने सालों का जो उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया था सब बंद करके जस्ट बिकॉज ही हैड फेथ इन मी ही बिलीव्ड इन मी ही मूव्ड हियर विद मी क्योंकि मैं एक पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली की बहुत ही प्रोटेक्टेड बच्ची हूँ और अगर मेरे कोई सपने हैं तो मैं अकेले तो जा ही नहीं सकती कहीं पे मेरे को पापा मम्मी का सपोर्ट चाहिए ही जो घर से भी इंस्ट्रक्शन से तो ही गेव अप एवरीथिंग टू कम एंड पुट फेथ इन माय ड्रीम्स एंड मेक इट कम ट्रू वो मैं जितना कहूँ आपने कहा कोई स्पेशल मैसेज आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैं विच विल प्रोबेबली बी एबल टू जस्टिफाई व्हाट माई फादर एंड देन विद इन अ ईयर माई मदर शिफ्टेड माई सिस्टर्स शिफ्टेड माई मदर हैड अ जॉब शी हैड टू लीव दैट माई सिस्टर्स वर इन अ स्कूल इन दिल्ली दे हैड टू लीव दैट सो यू नो द होल फैमिली हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मेकिंग मी व्हाट आई एम एंड आई न्यू दैट इट वॉज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी As you say that you've been growing and आपको advices देने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे हैं आसपास में बट अगर आपको खुद एक एडवाइस देना हो फॉर द अपकमिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो हमारे साथ अभी कुछ ही देर में जुड़ने वाली भी है सो व्हाट जी वुड यू लाइक टू से टू देम विथ योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज इयर्स वेल आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू फिगर योर ओन वॉइस आउट इनिशियल फ्यू इयर्स में आई कुडंट फिगर व्हाट आई रियली वांटेड टू डू विद माय वॉइस बिकॉज आई वाज ओनली बीइंग कॉल्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट कंपोजर्स एंड गाना दे दिया जाता था और उतना टाइम भी नहीं होता था कि सोचो हाउ टू रेंडर इट इट वॉज वेरी वेरी क्विक वॉज लाइक 2 आवर्स इन 3 आवर्स मैक्स इन द स्टूडियो बैठो लिखो लर्न करो एंड यूर ऑन द माइक एंड देन बाय द टाइम यू कम आउट यू फील लाइक ओ यू नो कुड हैव लिव्ड विद द सॉन्ग अ लिटिल मोर बट अब तो वो वक्त वापस आ गया है जब आप अपनी अपना खुद का म्यूजिक अपनी खुद की आवाज बाय वॉइस आई जस्ट डोंट मीन गाने वाली आवाज आई मीन योर वॉइस एज एन आर्टिस्ट व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू टेल द वर्ल्ड योर लिसनर्स टू नो एंड हाउ डू यू वांट टू बी आइडेंटिफाइड वो सबसे पहले फिगर आउट करो और डरो मत बिल्कुल डरो मत क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा पहले 2-3 गानों में या हो सकता है सिर्फ पहले गाने में ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा बट कहीं ना कहीं आई कैन प्रॉमिस यू दैट आई कैन प्रॉमिस यू दैट आपका गाना आपका म्यूजिक आपकी फीलिंग लोगों तक पहुंचेगी लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे और सर आंखों पे रखेंगे आपको आपके सुनने वाले शायद यहाँ इतने से शुरू हो पर धीरे 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 करके बढ़ेंगे बस जस्ट डोंट हेजिटेट इन पुटिंग योर म्यूजिक योर सेल्फ आउट देयर एंड डोंट बी अ बेटर और अ ग्रेट और अ फिनोमिनल वर्जन ऑफ समवन एल्स जैसे भी हो आप हो बिकॉज इफ यू वॉन्ट 2.0 ऑफ समबडी देन वो तो ओरिजिनल ऑलरेडी है ना सो आई ट्राई टू साउंड लाइक समबडी और ट्राई टू बी लाइक समबडी जस्ट ऑफकोर्स इंस्पिरेशन तो होती है वी ऑल गेट इंस्पायर्ड बाई डिफरेंट डिफरेंट पीपल यू माइट योर म्यूजिक माइट साउंड लाइक समबडी एल्स इज दैट्स ऑल राइट बट जस्ट जस्ट कीप योर Essence true, So yeah, that's what I want to say. How sweet of you. इसी के साथ में let me tell you this that we've got a guest with us also and she is Reena. कि Reena, can you actually join us also? We've got Reena Gilbert with us and मैं आपको बता दूँ ये जो है एक्सप्लोर से आई है शी इज अ साइंड आर्टिस्ट फॉर सॉन्ग फेस्ट एक्सप्लोर सीजन 1 एंड शी इज अ विनर हरसेल्फ और मैंने इनका भी गाना सुना है आई वाज जस्ट चेकिंग आउट द सॉन्ग ऑफ हर्स एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग ऑफ हैविंग समवन फ्रॉम द कॉलेज डेज एंड सेइंग कि अरे यार ये तो कॉलेज वाली बनती है बस इसी को सुनना बनता है भिड़ो टाइप्स एंड रीना आल्सो स्टार्टेड म्यूजिक आई सपोज व्हिच शी वाज इन हर इंजीनियरिंग डेज सो दैट Yes. शी बिलीव कि इंजीनियर्स जो है वो इंजीनियरिंग छोड़कर सब कुछ करते हैं Shankar Bhai was also an engineer. So, see if life takes you, music is your calling, music it is. Hi, hi, Reena. Hello, hello, Akriti. Hi, hi, Nishad. So nice to be here. Thank you for having Likewise. So happy to have you. Reena is actually our independent artist also right now. So, Reena, I would really love you to actually tell us about what is Explore all about. How did that happen to you? Was it someone in the college who just pushed you and said, "अरे ये फेस्ट हो रहा है जल्दी जा पार्टिसिपेट कर हमें Okay. पता नहीं So first of all, I'm not in college right now.
Song Fest is basically giving all these new and talented artists basically a platform, you know, to reach the audiences and just to get their songs heard to a lot of to the people, you know. So this is such a great initiative that they've taken up, and it's so good for the new upcoming artists who are, like, you know, always wondering that how do I make my songs reach out to people? So I think this is such a great initiative that they've taken up, and yeah, hats off to them, man. Serena, would you love to tell us something about yourself, about how did you really start up with the music, so that maybe, you know, Akriti has a nice time listening and judging you, huh? please let's get this one thing out of the window. I am not judging anybody. I'm here myself also to learn, meet, get inspired, and probably hopefully inspire you as well in some way. So basically I was always interested in music bachpan se. But since family mein koi tha nahi music mein, as nobody had taken it as a profession. So इतना कुछ seriously लिया नहीं. So but then when I got to college, you know, that inclination increased a bit more towards music. So I thought that I'll, you know, actually take it up and learn it as an art form. So I joined guitar classes and I learned guitar. So that's when I started learning music theory. And so then I used to just sing on my own. I used to, like, you know, self learn. I didn't actually learn singing from someone, so I'm not such a great singer. Sorry. You don't say, for you have to fall in love with yourself. I'm sorry, I'm cutting you. No, I have a lot of talent also. No, I'm definitely working on my skills as a singer as well. Yeah. So that's how I started you know, my journey into music, and then I started recording the guitars and vocals. Hmm. And I got my own little, very basic kind of a recording setup at my place at that time when I was like 18 or 20. So then after that, I thought that I'll, you know, get into this and learn a bit more about the whole process. Right. So there were like few engineering schools, sound engineering schools. So I just called them up and all of them told me that you need to have some kind of degree. So then my parents pushed me towards computer engineering. So wo karna pada. But then afterwards I was like, nahi, this is not for me. Music is the only, you know, direction that I want to go in. So then I joined a sound engineering course. Mm-hmm. I did my sound engineering. I did a lot of jobs in studios as a recording engineer. Nice. I do a lot of mixing work as well as a freelance engineer. And we have very few female sound engineers. Yeah. If everybody needs to know, this is incredible, Reena. This is amazing. Thank you so much. So then, during all these years, I, you know, work on my music as well, my music production skills and songwriting skills. So side by side, I used to make my own music. And since 2020, the year 2020, I released my first single, and it's been a journey. Yeah, since then. Nice. And sing a few lines of the first song you actually recorded and brought it out in 2020, and it was Majboori. So was it because you were locked in your house? That is why you called it Majboori? Well, it actually went quite well with the situation at that time. I had made the song before the whole COVID times and before the lockdown, but somehow it kind of made a lot of sense at that time. So, Reena, would you like to sing some few lines for us with this beautiful song of yours? Intezaar Tera, the one I did with Songfest? Yep. Sure. Mujhko khabar nahi, tumse milke hoga aise, rooh meri jaagne lagi. Bekaabu jazbaat the, milke juda hue. फिर भी आस ना गई पर जो सोचा है वो होता ही नहीं ये जिंदगी ही है ऐसी है ये पता फिर भी जाने ना क्यों इंतजार तेरा
मैंने है किया इस कुमार में कि मुझको प्यार है मिला तेरी मेरी बातें जो अधूरी होगी ना ये पूरी है किसी की ना खता Lovely, Rina. This is so nice. Thank you so much. You have your vibe going. This is really cool with your hair and your guitar. And I think it's also very important that, you know, if the singer can pick up an instrument and make it their own, it's like an extension of your body and it makes you, you know, a brighter musician. Thank you. This is your composition? Yes, this is my composition. I've written the song, composed it, produced it, mixed it. Amazing. Yeah, way to go. This is so cool. Thank you so much. Means a lot. So thank you so much, Rina, for actually joining with us. And it was great having you. And I really wish that you want to have your songs and singles coming up. It's going to be a great, great time for us even to hear up something new, you know. So congratulations on your songs and thank you so much. Thank you so much. It was lovely talking to you all. So moving on to the next set of questions, Akriti. So ek gana jo aap walkman pe us waqt sabse zyada suna karti thi. What was that? Oh, I think Sathya ki puri cassette maine itni ghisi hai aur hum dil de chuke sanam aur Shraddhanjali ek album hoti thi jisme Lata ji ne bahut great great logo ko Shraddhanjali di thi. Usme ek gana main bhi bachpan mein gaya karti thi, main kya janu kya jadoo hai, jo केयर सहगल साहब का था. बट वो लता जी ने जब गाया तो मुझे लगा अरे ये तो लड़की भी गाती हुई कितनी बढ़िया लग रही है, तो ये ट्राई करते हैं. तो वो बड़ा डेडली गाना था बचपन में अटेम्प्ट करने के लिए. सो या आई थिंक वो एंड इवन परवीन सुल्ताना जी को बहुत सुना करती थी. बट कैसेट्स इट वाज. या सो वन फोक सॉन्ग व्हिच हैज ऑलवेज बीन क्लोज टू योर हार्ट. अ लॉट ऑफ पंजाबी फोक सॉन्ग्स बिकॉज दे हैव बीन सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग. मैं जब सोया करती थी दादू अपने ट्रांजिस्टर पे यही बजाते थे पूरी रात. तो वो बंद होता था उनकी नींद भी खुल जाती थी, फिर मुझे भी लगता था कि कुछ हो गया है, यू नो. सो वो सुन सुन के ही मैं बड़ी हुई हूँ. सो या आई थिंक टू नेम अ फ्यू, चिट्टा कुकर बने रहे थे, कंगी मामा, सूए वचीरे वालिया, बाजरे द सिट्टा, लट्ठे दी चादर, ये तो बड़े पॉपुलर वाले हैं, यू नो, छल्ला, हीर, अपने जो बारे थे में खेडा गिटिया, बड़े सारे लाइक लॉट्स ऑफ देम. द लॉस्ट ऑफ देम. बट जब चिट्टा कुकर की बात ही, तो कैन वी हैव दैट फ्रॉम यू, बिकॉज़ ये एक ऐसा गाना है जिसे हम हमेशा ही सुनना चाहेंगे आपकी आवाज में. चिट्टा कुकर बने रे ते, चिट्टा कुकर बने रे ते, काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, कुंडा लग गया थाली नो, कुंडा लग गया थाली नो, हथां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, हथां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू. वापस से शादी कर ले कोई इंसान वापस, यू नो, दैट वी कैन एक्चुअली हैव दिस सॉन्ग्स बैक अगेन ऑन अ वीडियोस. पहले तो वो जमाना नहीं था कि जब हमारे पास ऐसे गाने होते थे किसी वीडियोस पे डालने के लिए. वी हैड सच फाइन वीडियो कैसेट्स बनने के टाइम पर कि कोई भी गाना सॉन्ग्स बैक में तीन तीन चार चार बार चल रहा होता था. बट जैसे कि साथ में देयर इज अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ योर्स व्हिच इज मेहमान वे. मेहरमा वे रांझणा वे, मेरवावे ढोलनावे, ओ मेरवावे रांझणावे, मेरवावे ढोलनावे, जान जान के किए मेरी जान वालिया, मौला तेरी खैर करे, ओ मेर मावे राजनावे,
मेहरबानी ढोल नावे। I mean, honestly, I can tell you this, that we would never say this, ki aap bas na gaayen. When you start singing, now there is something in you which actually makes us feel ki, bhai, chalne do. Koi na do. So sweet. So thank you so much, Akriti, for actually sharing of such a beautiful journey of yours and having the most candid interview you could ever have with us. Thank you.